देखिए आज कर्नाटक में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव हो रहा है, चल रहा है, जनता में मैं देख रहा हूँ भारी उत्साह है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री एक महीने तक वहाँ तंबू डालकर बैठे थे, देश के गृहमंत्री, पूरा कैबिनेट, उनके बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, महाराष्ट्र जो पूरा कुनबा गया था उधर। देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, कश्मीर में जवानों की हत्या हो रही है, बॉर्डर पर पाकिस्तान जल रहा है, वहाँ हमको धोखा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृहमंत्री जी, हमारा पूरा कैबिनेट कर्नाटक के चुनाव प्रचार में रोड शो कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, ये सब भाषण माफिया है ये लोग। तो मेरा ये सवाल है कि क्या राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में थोड़ा तो फर्क कीजिए आप। लेकिन कुछ भी हो इस चुनाव में कर्नाटक में एक इतिहास रचा जाएगा ऐसा लगता है मुझे। और 2024 के लिए शुभ संकेत यहाँ से शुरू हो गए और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हरने जा रही है। देखिए संजीवनी बूटी बूटी सब फालतू है, मैं इतना ही कहूँगा ये लोग हार रहे हैं, ये हार प्रधानमंत्री की होगी।